Somfor Glacieru. तो वेलकम डीटी आर्मी, क्या हालचाल है आप सभी के कमेंट में बताना। वैसे बात करें आज के गेम प्ले की, तो इंट्रो में आपने जो भी सीन देखे ना वो इसी वीडियो में आप आगे देखने वाले हो। इस वाले वीडियो में बेसिकली बोलूँ तो दो गेम प्ले है जो कि दोनों रैंडम्स के साथ होने वाले हैं, और भाई इतना फनी सीन होने वाला है इस गेम में। मतलब मैं बंदों को मारूंगा तो मारूंगा ही, और रैंडम्स रिएक्ट भी करेंगे और रैंडम्स हंस भी देंगे। एक जगह ऐसा सीन होने वाला है वो तो आप आगे देखना, और दूसरे वाले गेम में मैं रैंडम्स को चिकन दिलाऊंगा तो वो भी देखना। आपको आज वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ये मैसेज कौन कर रहा है? हाँ पर ठीक है, देखो गेम शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑटो मैचिंग ऑन करके मैच के अंदर आते हैं तो रैंडम्स ही आते हैं। अब काफी लोग बोलते हैं कि भाई हमें दिखा के टीम ज्वाइन किया कर, तो देखो गाइज अगर ऑटो मैचिंग ऑन करके आप मैच को स्टार्ट करते हो ना तो ऑटोमेटिक रैंडम्स ही आते हैं। मैं शुरू से स्टार्ट से लेके लोडिंग स्क्रीन के बाद गेम में एंटर करने तक रैंडम्स की एंट्री होने तक दिखाता हूँ, कहीं पे भी एक भी फ्रेम नहीं काटता। हेलो भाई, भैया बोलो भैया, भैया भैया हिंदी बोलो भैया, भैया कैसी कैसी आवाज निकाल रहे हो भाई? बोलो नंबर वन भैया बोलो। हाँ हाँ भैया बोल रहा हूँ। हाँ भाई बोलो, कहाँ से भाई? सब जानना है। कपड़ा दो भाई, कपड़ा दो। अरे यार अब तो टाइम हो गया, कोई ना भाई गेम में ले लेना भाई। उसके पास सफेद कपड़ा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओ भाई पूरे लो। ओ भाई सफेद कपड़ा पहन के है भाई, एक नंबर। चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास, बंद कर अभी। भाई वो कपड़े का नाम क्या है? मम्मी शर्ट है, मम्मी शर्ट। तो भाई अपन कपड़े चीर लेंगे बीच से। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? वॉच आउट, ये बंदे आ गए भाई। राजा भाई मेरे पास बंदे। जुन बना के चलो, मुझे कोई शर्म नहीं बताने में कि मैं डरा हुआ हूँ। ये हमारे भाई भाई चम्फोर ग्लेशियर भाई, ये तो लेट के मार रहा। नोड़ दे, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। नोड़ हैंग उड़ लतनो, डेंजर है उन्हें। भाई भाई नंबर को तो बचा भाई। ना खो गए वो। ये 45 का यामा कर दे दो। I'm out. Need ammo. निंदा बटा करो। हाँ, अल्लो कंटेनर पर ना। ये आमा तो दे दे। फिनिश मॉडल है ना। अब जिस बंदे को मैंने पहले नोक किया था ना वो फिर से नोक हो चुका है, पर उसको रिवाइव देने वाला आगे बैठा है मशीन गन लेके। तो मैं ऐसे सीधा नहीं जा सकता भैया, काम डाल सकता है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना राइट से रोटेट मार ऊपर। भाई राइट में भी एक बंदा दिखता है मेरे को। ये बंदा भी लेट गया। चलो कोई ना, इसको छोड़ते, फोकस करते उन बंदों पे। Marked a location. Enemies ahead. Kill in the tower. Tower. Watch out. चलो इधर की बला को हमने टाल दिया, पर अभी और बंदे जो कि रश कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो फटाफट से रैंडम टीममेट्स को रिवाइव देते हैं। उसके बाद मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा था क्योंकि एक बंदा आया था उधर स्पाइडरमैन बनके, और तभी
इसको तो पूरा डालूंगा मैं, इसको पूरा फिनिश डालूंगा। जो बंदा लेफ्ट से मार रहा था उसको रैंडम टीममेट ने मार दिया और इसी के साथ मिलिट्री बेस पूरा पूरा खाली हो जाता। ऐसा मैं बोलता लेकिन एक बंदा जाता है रिकॉल होके जिसको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने मारा था, वही भाई इसको खा गया, पूरा खाएगा, पूरा टंकी की तरफ है। पीछे है भाई, पीछे है, चार नंबर। अब वो बंदा ऐसी जगह लेटा ना कि मेरे यहाँ से एंगल मिल ही नहीं रहा था, तो मेरे को थोड़ा राइट जाना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि सामने जो सिलेंडर्स दिख रहे हैं मतलब वो गोले बड़े बड़े, इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ शायद से मेरे को एंगल मिल जाए। तो अब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि मिलिट्री बेस पूरा पूरा खाली हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे इसके टीममेट कहाँ गए, तो मेरे को लगता है वो लोग भाग चुके होंगे क्योंकि यही अकेला आया था बदले की आग में और खुद ही जल गया। खैर यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, गाड़ी लेके निकलते सोचते रिकॉल टावर जाए, क्या पता उधर बंदे होंगे। और तभी मेरे को एक सांप लेटता हुआ दिखता है। तो बारबेरियन भाई ने जो गलती की ऐसा आप कभी मत करना। अगर आपको गाड़ी की आवाज़ आए तो लेटना नहीं है, आपको कवर के पीछे जाके छुपना है या तो पत्थर के या पेड़ के, इनकी तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। खैर यहाँ पे इनकी पेटी बनाते हैं, लूट करते हैं, उसके बाद ब्रिज से निकल रहे थे तभी पता चलता है कि सामने ब्रिज कैंप हो रखा है क्योंकि फायर आता है खतरनाक। पुष्पा पुष्पा राज झुकेंगे नहीं भाई, झुका दिया। उस पर आज का डायलॉग गलत हो गया मेरे लिए। काश ये 3 सेकंड का टाइमर नहीं होता, वो कितना बढ़िया था शुरू वाला अपडेट जिसके अंदर यार अपन बार बार वेब शूटर लगा सकते थे। पर यहाँ पे भाई 3 सेकंड का गैप आया, मैं पानी के अंदर गिर गया। अगर नहीं रहता ना गैप तो अपन फटाक से नीचे से ब्रिज क्रॉस कर लेते और बंदे के पीछे जाके पेटी बना देते। मारो मारो मारो। लो बताओ इतनी मेहनत करके आया मैं और मेरे को किल ही नहीं मिली, अब कर भी क्या सकते रोने के सिवाय। खैर यहाँ पे दिक्कत कोई बात नहीं, अभी और बंदे आने वाले हैं इसके। ओ भाई फिनिश, ड्रोन से मर गया। अरे 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 अरे, ऊपर है ऊपर, इधर इधर वॉच आउट, इधर। क्या बंदा है भाई तुम, क्या हुआ भाई, क्या कर दिया मैंने ऐसा? नहीं कितना मारा बोल रहा हूँ। अच्छा तारीफ कर रहे हो क्या, मेरे को लगा तुमको गुस्सा आ गया जो बोल रहे हो क्या बंदा है भाई। तो ठीक है तारीफ है तो सही है फिर। ओके थैंक्स, चलो भाई जल्दी में चलो, जल्दी में आ मेरे पास। अरे मैंने एक बंदा नॉक कर दिया झोपड़ी में, जल्दी चलो भाई जल्दी गाड़ी लाओ मेरे पास। यहाँ पे सिर्फ दो ही बंदे थे, इसके टीममेट को इसने रिवाइव नहीं दिया पता नहीं क्यों, तो इनकी पेटी बना के हम लोग निकल पड़ते आते सीधा सेवर्नी की तरफ। और यहाँ पे ढेर सारे बंदे, मतलब जहां देखोगे वहां बंदे। भारी
मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं मस्त एग्रेशन लेवल में रश कर रहा था कि भाई साहब अपन स्पाइडरमैन बन के सीधा उस छत पे जाएंगे, बंदूक की पेटी बनाएंगे, पर पुचुक पुचुक करके वो हाथ में से निकलता है और मेरा फेल हो जाता है स्पाइडरमैन वाला सीन और मैं नीचे गिरता हूँ। फिर वापस जब आधे हवा में चले जाता हूँ तब ये बंदा मेरे को कूद के नोक कर देता है और यहाँ पे हमारे दिलजात भैया भी भग जाते। मैं बच सकता था अगर दिलशाद भैया डर के ना भागते तो, पहले ही मार देते उसको तो मैं बच जाता, पर चलो कोई ना, दिलशाद भैया ने बदला तो ले लिया। पर रेंडम से यहाँ पे कुछ बोलते मेरे बारे में, डेंजर है नंबर एक और मैच खेलो भाई। रेंडम भाई ऑफर तो करते हैं एक और मैच खेलने का, पर मेरा दिल टूट चुका था, मेरे को गुस्सा आ रहा था, जो मेरे साथ सीन हुआ ना बहुत गलत हुआ। जब आप ऐसे रश कर रहे हो फिर एग्रेसिव होके और भैया वो पुचुक पुचुक करके हाथ में से निकले और फिर नीचे गिर जाओ और ऐसे पेटी बन जाए। खैर आते अपन दूसरे गेम में जो कि फिर से होने वाले रेंडम के साथ में। मैं और चिंटू ऑटो मैचिंग ऑन करके मैच के अंदर जाते हैं और यहां पे आते हैं दो रैंडम्स, तो इनको मैं एंड तक चिकन डिनर दिखा दिलाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यह तो चिकन डिनर तक जाएगा, इसमें नहीं मरेंगे अपन। भाई ये गेम प्ले डरावना क्यों लग रहा है, घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है, जैसे चंद्रमुखी चल रही हो। क्या बात है भाई, चार नंबर तो फिर उतर रहा है भाई। क्या भाई चंद, हाँ भैया पूरा कर रहा है, नाम नूब रखा है पर नूब जैसी हरकतें नहीं है। अविन भाई को तुमने मार दिया, पर आगे आप लोग देखने वाले हो एग्जाम्पल ओवर कॉन्फिडेंस का। हाँ बिल्कुल, मैं भी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, मतलब मैं फोकट की चीजें ट्राई करने लग जाता हूँ और वहीं कुछ गलत सीन होते हैं। इस बंदे को एक हेड पड़ा, अब मैंने सोचा काफी डैमेज होगा तो अपन मस्त आराम से पीक वीक करके मारेंगे, पर भाई लेने के देने पड़ गए। यहाँ पे सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया इसको, देख रहे हो कैसे लेफ्ट पिक करके मार रहा था। पर कोई ना, टीममेट्स अपने को रिकॉल कर देते हैं और अब जो अपने को एक मौका मिला है, वापस जिंदा हुए हैं, तो अब एक भी गलती नहीं करनी है पूरे एंड तक। अब एग्जिट नहीं कर सकते, अब तो मजा आएगा, इनको मार के सारी लूट हड़प लेंगे और पूरी लोबी पे राज करेंगे। पता है गाइस, ये दोनों बंदे हमारे लिए खजाने के रूप में आए थे, मतलब ढेर सारी लूट देखे गए, देखो कितनी सारी लूट है, स्पाइडरमैन का वेब शूटर भी मिल जाता हमको। इसके बाद गाड़ी लेके हम लोग निकल पड़ते और बंदों को ढूंढने, और जैसे ही फार्म की तरफ आते हैं यहाँ पे रिकॉल टावर के पास बहुत सारे बंदे और वो भाई भी हमको मिलने वाले जिनका नाम है बिलन बीसी, जो मेरे को मिलिट्री बेस में मारा था याद है, जहाँ पे हल्के में ले लिया था उस बंदे को, वही बंदा मिलने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो मां की आंख। चलो चल भाई, सिक्स रखा है, डेट सिक्स कुछ भी है। अरे मारो मत, जो बंदा दूर से मशीन गन और M4 चला रहा है ना, वही है बिलन बीसी जो मेरे को मारा था। अच्छा, तो मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये जो बंदे अभी मैंने मारे ना, इसी का टीममेट होगा वो, पर नहीं, वो तो अलग था। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बेशक बंदा अच्छा खेल रहा था, पर यहाँ पे मैंने इसकी पेटी बना दी, बदला अपना ले लिया है, तो मैं खुश हूँ। आई होप आपको भी खुशी हुई होगी ये देख के। तो यहाँ से हम लोग निकल पड़ते, देखो ये दूसरा बंदा जो था ना, ये मरा नहीं था, इसका मतलब ये अलग अलग टीम थी। तो यहाँ पे इन सबको लूट के हम लोग आते सीधा अपार्टमेंट में और पता चलता है हमको कि छोटी वाली बिल्डिंग में बंदे हैं कुछ। क्या
कहाँ है? नीचे ऊपर है, कहाँ है? तो यहाँ पे इन बंदों से फाइट काफी टाइम तक चली, आप लोग देख सकते हो ब्लू जोन भी आ चुका है। तो फटाफट से लूट करके सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम लोग आ जाते हैं गाड़ी लेके और काफी डैमेज थे ब्लू जोन की वजह से। तो सामने मेरे को कुछ बंदे दिखते कंपाउंड पे, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना थोड़ा कवर लेके हील करें। पर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो छोटे वाले रूम के अंदर दो बंदे छुपे हुए थे, दोनों की जल के पेटी बन जाती है। उसके बाद मैं आता हूँ मिल्टा की तरफ। जहां पे ये भाई अकेले मिलते हैं तो इनको पकड़ के हमने पेल दिया है। उसके बाद मैं आता हूँ सेंटर के कंपाउंड्स पे जहां पे ढेर सारे बंदे, यहाँ पे फाइट लेने में मजा आएगा गाइस। घर के अंदर चार नंबर, घर के अंदर ये सामने हम लोग देख रहे हैं। नेट डाल दे उधर, भाग जाओ। तो अलाइव पे अगर ध्यान दे तो हमको छोड़ के दो बंदे और बाकी है जो कि हमको नहीं पता कहाँ है। अभी बम आया था पर कहाँ से आया, वी डोंट नो, मतलब हमें नहीं पता, इंग्लिश निकल रही है। तो उनको ढूंढने के लिए हम लोग चढ़ते सबसे ऊंचे वाले घर पे और तभी रैंडम भाई अलग नहीं मान रहे, वो बोल रहे कि यार बंदे क्या नोक करेंगे मेरे को, मैं खुद ही हो जाता हूँ गिर के। तो एक बंदा नोक हो चुका है पर इसका दूसरा बंदा हमारे काफी क्लोज आ चुका है। मेरे को हल्की सी साउंड आती है कि पास वाले घर की छत पे कोई है। अरे रे। कहां से हमारा नंबर एक पता नहीं, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो रुको जरा, सबर करो। ऐसा बम फेंकूंगा कि तू सीधा मरेगा, डीटी नाम सुन के तू हर बार डरेगा। फाइनली तीसरा बम फेंकने के बाद मिल जाता हमको विनर विनर चिकन डिनर। तो आज का बस इतना ही था गाइस, मजा आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ कल आपसे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।